एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग में आप सबको वेलकम कहते हैं। सो आज हम लोग बूट स्ट्रैप की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पैरालैक्स की प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पैरालैक्स एंड बूट स्ट्रैप। उसके लिए मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट W3School को यूज़ करूँगी और यहाँ का कोड try2@yourself पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से कोड जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम पैरालैक्स के कोड को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। अब डिसाइड ये करना है आपने कि आपको अपने कोड पे कहाँ पे पैरालैक्स को अटैच करना है, ठीक है। स्लाइडर के बाद नहीं, मैं अपने पेज में सर्विसेज के बाद पैरालैक्स देना चाहती हूँ, ठीक है, जहाँ मेरा सर्विसेज का सेक्शन ख़त्म हो रहा है। इसी के बाद मैंने एक सेक्शन स्टार्ट किया, लाजमी सी बात है कि आप सेक्शन पहले लेंगे। और पैरालैक्स के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप HD पिक्चर लें जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, ठीक है। तो सेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ पर कोड पर आएंगे, पहले तो आपने पैरालैक्स का CSS कोड कॉपी करना है यहाँ से, और अगर आप इनलाइन में अप्लाई करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप एक्सटर्नल पे देना चाहें, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ ऊपर ही इनलाइन में इस कोड को पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के साथ साथ अब मैं इसके HTML के कोड पर आती हूँ और मैंने जहाँ सजेशन जगह डिसाइड की है सेक्शन के अंदर, यहाँ पर आकर मैंने इसका HTML का कोड कॉपी किया लाइक यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल इसमें पेस्ट कर दूंगी। मुझे और कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं चाहिए तो सिंपल मैं इस डिफ को हटा दूंगी, मुझे सिंपल पैरालैक्स चाहिए। अब इसमें सेटिंग्स करते हैं, उसको सेटिंग्स को ध्यान से देखिएगा। जब इसके CSS पर आएंगे तो यहाँ पर image.parallax.jpg है, बाकी ओवरऑल रहने दीजिएगा। मिनिमम हाइट आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे अपनी ऑफिशियल पिक्चर जो मुझे लगानी है उसका लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी लाइक दैट HTML पर। और याद रखिएगा जो भी पिक्चर आप ले रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मतलब उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो। इसी के साथ मैं इसको रन करा के चेक करती हूँ और पैरालैक्स देखते हैं हमारे पोजिशन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, दिस इज़ द पैरालैक्स, बट पैरालैक्स इज़ नॉट शो इन योर सेल फोन, से ये बात याद रखिएगा। पैरालैक्स हमेशा जो है वो आपके कंटेनर के ऊपर। अच्छा, एक ही वक्त में बहुत सारे पैरालैक्स ले सकते हैं, अभी आपने एक लिया है। अब मैं कॉन्टैक्ट के बाद भी पैरालैक्स देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं इसी के कोड को यहाँ से कॉपी करूँगी और अब मैं इसकी जो क्लास है उसको चेंज कर दूँगी। मैंने यहाँ पर आकर पैरालैक्स के नाम से यहाँ 2 कर दिया, ठीक है, या 1 कर दें। 1 करने के बाद अब मैंने यहाँ पर अगेन एक पिक्चर का लिंक देना है जो मुझे चेंज करा के लगानी है लाइक मैंने ये पिक्चर दे दी, ठीक है, या इसके अलावा मैं कोई और पिक्चर का लिंक ले लेती हूँ जिसकी विड्थ ज़्यादा हो। यही बात मैं बार बार डिक्लेयर कर रही हूँ, इस पिक्चर की विड्थ ज़्यादा हो आपने वही पिक्चर यहाँ पर जनरेट करनी है, ओके। अब पैरालैक्स 1 के नाम से अब मुझे जहाँ रिक्वायर्ड है, मैंने ये कहा मुझे कॉन्टैक्ट के बाद चाहिए, तो मैं कॉन्टैक्ट के डिफ के बाद आऊँगी और वहाँ आने के बाद मैं उसके सेक्शन के बिल्कुल बाहर आ जाऊँगी। देन अगेन मैं वहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करूँगी और जो HTML का कोड था अगेन उसको मैंने जस्ट कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अगेन मैं उस कोड को पेस्ट करूँगा। यहाँ पर बस 1 देना है, इससे क्या होगा कि मेरी अलग अलग पिक्चर मेरे पैरालैक्स के साथ कनेक्ट होगा। ये देखें, पहले आप आए, आपने रोटेट किया पैरालैक्स की पिक्चर 1, फिर आप आए एंड देन पैरालैक्स 2। सो आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। सो जब तक स्टे ट्यून्ड विद मी, अल्लाह हाफिज़।